हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े का प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार और हमारे ईश्वर के चरणों में मेरा सत सत नमन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भगवान की कृपया रहेगी तो और अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और मेरा आज ब्लॉगिंग का शुरुआत हो रहा है पूजा से, यानी कि हम पूजा करने आए थे, पूजा हो चुकी है बट ब्लॉगिंग की शुरुआत यहीं से की है। इसके बाद नीचे आज हम नाश्ता में बनाए हैं पूरी और सब्जी, जो कि आज का ब्लॉगिंग हम यहां से शुरुआत नहीं कर पाए सुबह सुबह। तो नाश्ता में पूरी, आलू और मटर और हरे मटर और चने और गोभी सभी चीज़ मिला मिक्स करके सब्जी बनाया है, जो कि बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोग आए नीचे नाश्ता वगैरह करने के बाद, जैसे ही हम पढ़ने बैठे उसी तरह हस्बैंड जी आए और फिर वो काम वगैरह करने लगे। काम क्या था, दो दिन से बोल रहे थे ना, मतलब नीचे हम लोग का, ये हम लोग का रूम है जो कि बउआ फोटो लिया है ना, तो अच्छा से नहीं ले पा रहा है, तो वो पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा था। तो ऐसे हम बोले नहीं थे बट बना रहा था, तो इसीलिए हिल डुल रहा था, वो डर से इधर उधर कर रहा था। तो ये मेरा रूम है जो कि आप लोगों को नहीं दिखाए हैं और आप लोगों को हम दिखाएंगे कभी फुल ब्लॉगिंग। तो उसका जो पलंग है ना नीचे तरफ ना, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भार पड़ जाने से, या फिर मतलब हम चढ़ गए थे उसका ऊपर, जब ये उठा हुआ था ना तभी हम उसके ऊपर चढ़ के सामान रखे थे, तो जिस वजह से धस गया था। हम लोगों को करना क्या था ना कि प्लाई को निकाल के उसको उल्टा के फिर से सेट करना था, जो कि करने में तो पसीना छूट गया, मतलब हालत पूरी तरह से हम लोग का ख़राब हो गई, थक के चूर हो गई यही काम करते करते। लास्ट में हम लोगों से हुआ कि नहीं होगा, मिस्त्री को बुलाना होगा, सारा सामान निकाल के, मतलब ट्रंक में बॉक्स वाला पलंग है तो सारा तो फूल रहता ही है, पूरा फूल रहता है मेरा पलंग, कहीं का भी जगह नहीं रहता है, इतना फूल रहता है। तो इस वजह से हम लोग अब सोचे मिस्त्री को बुलाना होगा, बट कोशिश करते करते लास्ट में हो गया। लेकिन उससे जो सामान निकला उसके बाद भी हमको चैन नहीं था, उसके बाद भी बहुत सारा काम हो गया मेरा, जो कि रात तक यही सब चलता रहा और अब जाके मतलब थोड़ा सी ठीक हुई है। और हम थकावट के वजह से हम कल ब्लॉगिंग नहीं डाल पाए हैं, मतलब कल का ब्लॉगिंग, तो इसीलिए हम आज एडिट कर रहे हैं और आज डाल देंगे। तो एडिट करने का प्रोसेस भी यही है ना, मतलब जल्दी से नहीं होता है, थोड़ा सा तो लेट लगता है, उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, इस वजह से तो बहुत ही हम लोगों को मतलब ये इस चीज़ के लिए बहुत ही ये करना पड़ा। और फिर ना मतलब पलंग खोलने के बाद तो काम तो बढ़ता ही है, आई होप आप लोगों के घर में भी बढ़ता होगा, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा बढ़ गया। बात ये था कि सारे चीज़ को निकाल के फेंका गया और उसके ऊपर से फिर गद्दा वगैरह रख दिए थे, वो गद्दा इतना भारी है हम लोग का, पूरा कॉटन का है, ये ऊपर वाला गद्दा नहीं देखिए, उसके नीचे पूरा कॉटन नहीं, मतलब रुई का जो होता है सबके घर में वही होता है, वो हम लोग बनवाया हुआ है, मतलब इस तरह से खरीदा हुआ नहीं है, जो हम लोग खुद बनवाए हैं। तो उसमें सिर्फ रुआई है, वो उठाने में तो हालत ख़राब हो गया, जितना भारी मेरा पलंग नहीं होगा उससे भारी मेरा गद्दा होगा ऐसा लग रहा है। खैर कोई नहीं, इस तरह से छोटी मोटी बातें तो सबके घर में होती है। उठाने के कारण ये था ना कि मेरा पलंग के भीतर मतलब मानो लग रहा था कि चूहा घुस गया, कुट 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 आवाज़ रात को आ रहा था, ऐसे पहले नहीं आता था, दो तीन दिन से आ रहा था मतलब हमको, तो हम ऐसे परेशान कर रहे थे खोलिए खोलिए इसको देखेंगे। तो फिर वो खोले, आज फाइनली बिना बोले बताए वो खोल लिए। खोल लेने के बाद इतना ज़्यादा काम बढ़ गया मेरा, आज हम बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि हमको इतना करना पड़ेगा। और ये निकला है एक बॉक्स जो कि फट गया है नीचे से, ये मेरे शादी में शायद गिफ्ट मिला था, जो कि यूज एक बार हुआ होगा और तो यूज भी नहीं हुआ है, तो उसी तरह धरा हुआ है। तो ऐसे और सब गिफ्ट सब तो यूज हो गया, इधर उधर हो गया है नहीं पता, लेकिन ये एक सलामत है तो इसको हम रखे हैं अच्छा से भर के और इसको बढ़िया से रखे थे। और ये जो है ना वही हम खोल खाल के देख रहे थे कि ये ठीक है कि नहीं, बट मतलब नहीं चल रहा था, तो इनके पापा बोले ठीक करवा के हम रखवा देंगे। तो इसका थोड़ा सा हम ब्लॉगिंग ले लिए हैं, ये है ठीक ही लेकिन उसका मतलब नीचे से फट जाने के कारण ना नहीं हो रहा था, तो फिर ले गए वो ठीक कराने के लिए। इसके बाद फिर पलंग का सारा सामान तो निकाल के हम उधर फेंक दिए हैं और वो बाद में समेटेंगे, पहले हम यहाँ पे ना मक्खन निकाले थे मलाई, उसको मक्खन बना लेंगे। तो वो अभी धूपा भी है और अच्छा से हो भी जाएगा, इस वजह से
लेकिन ये करना जरूरी था क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ही, खाना पड़ेगा ही। तो अभी ऐसे ये बना लेंगे, इसके बाद फिर खाना में जाएंगे, खाना बनाएंगे। खाना में भी आज बहुत कुछ बनाया है, मतलब थक गए थे पूरा दिन भर, इस वजह से हम रात को एडिट नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। खैर कोई नहीं, ऐसे सभी के साथ होता होगा, कभी कभी तो इधर उधर होता ही होगा। तो यहाँ हम बना रहे हैं मलाई, मलाई बन जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे, अभी नहीं इसको बनाएंगे घी। फ्रिज में रख देने से क्या होगा ना, उसका जितना भी पानी होता है ना सारा छोड़ देगा, तो इस वजह से। और यहाँ पे हम ना काउंट कर रहे थे, मतलब बुआ को बता रहे थे कुछ, इस वजह से आप लोग। अभी तो फिर भी ठीक है, मतलब होली के बाद, होली हो जाने के बाद जो घर का काम बढ़ जाता है ना, पूरा डीप क्लीनिंग होता है, पूरा इधर से उधर पूरा क्लीनिंग करना पड़ेगा। मतलब हम लोग का ऐसा होता है घर में होली के बाद, हम लोग का क्या सभी के घर में होता होगा, 2 बार तो डीप क्लीनिंग अवश्य होता होगा। और इस तरह नॉर्मल सा मतलब हमेशा होता होगा, मतलब संडे को या फिर 15 दिन में जिसका जब फुर्सत मिलता होगा। लेकिन होली के बाद जो होता है ना, पूरा एक एक दरवाजा खिड़की और फिर सारा चीज़ डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। तो वो होगा होली हो जाने के बाद, अभी नहीं, अभी से यदि हम करना शुरू कर देना तो फालतू हो जाएगा। इस वजह से अभी जो जहाँ है उसी तरह हम छोड़ रहे हैं, अभी हम नहीं करेंगे, होली हो जाएगा इसके बाद सारा सफाई वगैरह करने लगेंगे। लेकिन ये करना जरूरी था, नहीं तो मेरा चूहा घुस के सारा बेड के जो भीतर जितना रजाई वगैरह है सारा सारा चीज़ कट कर जाता, इसीलिए उसको करना जरूरी था, तो वही कर रहे थे। देख सकते हैं इतना सामान हम लोग का निकला हुआ है, और ये कुछ कुछ सामान सब है जो रफ्यूज का काम आता है, बुआ लोग का कुछ कुछ सामान है, जो कि ये सब कपड़ा नए ही है, एक बार भी नहीं पहना है। बाबू लोग जब बाबू था यानी कि छोटा था, तो क्या होता था ना, एक बाबू का कपड़ा कोई भी लाता था तो डबल डबल लेकर आता था दोनों बाबू के लिए। तो ऐसा बहुत सारा कपड़ा है जो कि यूज ही नहीं हुआ है, छोटा हो गया है। बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जो यूज हुआ है तो इतना ही हुआ है कि बोलिए मत। मतलब 2 भाई एक साइज का हो गया था ना, तो मतलब कपड़े एक का पहनाते थे, और ये इतना तो मतलब ये नहीं था कि ये इसको पहनाना है, वो जो मिलता था वो पहना देते थे। और हम तो कम ही, मेरी सासू माँ तो ज़्यादातर आती थी, उसको जो मिला वही पहना देती थी। दरअसल बात ये है कि मतलब मम्मी जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी बाबू लोग का, तो हमको उतना टेंशन नहीं रहता था। तो इतना ये नहीं था कि इसको यही पहनाना है, उसको यही पहनाना है। आप लोगों के घर में भी बाबू होंगे तो आप लोग भी उसी तरह करते होंगे, कौन किसको पहनाना है कौन नहीं पहनाना है। तो यहाँ पर हम अरेंज कर रहे थे सारे कपड़ा, आज हम भी ठान लिए थे कि करके रहेंगे तो करके रहेंगे। क्या हुआ है ना, सारा मिक्स करके मतलब एक बोरा में, बोरा ही बोला जाता है इसको, भर दिए हैं। तो ये है ना, ये साड़ी पहले सुन लीजिए, ये मेरी सासू माँ की साड़ी है और बहुत प्रीति है। मेरी सासू माँ का इतना साड़ी हुआ करता था कि ये जो पीछे, मेरे पीछे जो गोदरेज है वो पूरा फुल रहता था, और इधर आप लोग देखे होंगे शीशा वाला जो छोटा सा अलमारी है वो भी फुल रहता था। और कितना साड़ी मेरा अलमारी में भी रहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा साड़ी वो पहनती थी, और एक से बढ़ के एक साड़ी पहनती थी। तो बट हम क्या बताएं, मेरे पास 1 ही बचा है, और इसको हम बहुत अच्छा से संभाल के रखते हैं। मतलब अच्छा, ये साड़ी मेरा शादी का ही साड़ी है शायद, और एक ही बचा हुआ है। और अभी आ गया सोना बाबू, तो फिर उसको भी देखना पड़ेगा। तो वो अपने से सारा अपना जितना भी सामान है सारा खोल रहा है। और ये जो अभी हम शर्ट जो कर रहे हैं ना, ये मेरे ससुर जी का है, जो कि ससुर जी का कपड़ा बहुत सारा है। मतलब मेरी सासू माँ का नहीं रहने का बहुत सारा कारण है जो हम आप लोगों से नहीं बताना चाहते हैं। और मेरे ससुर जी का भी बहुत सारा कपड़ा हुआ करता था, और उनके जैसा तो ब्रांडेड शायद कपड़ा ही कोई पहनता था, एक से बढ़ के एक शर्ट पहनते थे। मतलब और कलर भी उतना ही टेस्टी टेस्टी, मतलब अच्छा अच्छा पहनते थे। मेरी सासू माँ भी उसी तरह पहनती थी। तो मेरे पास एक ही साड़ी बचा है, आप लोग देख सकते होंगे हम इतना सारा निकाल रहे हैं, बट एक ही निकला साड़ी। हमको लगा बहुत सारा होगा, एक कम से कम 2-3 तो होगा ही, बट निकला एक ही। ये सब जितना भी टी शर्ट निकल रहा है सब मेरा ससुर जी का है, और इससे कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो यूज नहीं होता है। और यहाँ बाबू सारा कपड़ा खोल के इसी तरह घूम रहा है लंगटू पंगटू होके, उसको बोल रहा है पैंट पहनो बट सुन नहीं रहा। उसको नहीं पता था कि पीछे कैमरा है, जब पता चला तो वो भाग गया और फिर आया भी नहीं, वो हट गया पीछे से। इसके बाद फिर हम इसको पैंट वगैरह पहना के चल गए, और फिर से सारा ड्रेस खोल लिया था। और यहाँ पे हम कट करके रखे थे कदीमा जो कि बनाएंगे, और यहाँ पे ना एक पपीता फला हुआ था, 2 पक गया था, तो फिर हम इसको तोड़ रहे थे। तो
देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखता है, मतलब कि पका हुआ था ना, तो फिर हम तोड़ रहे थे या ब्लॉग भी कर रहे थे बट हो ही नहीं रहा था, तो फिर बाद में हम इसको छोड़ दिए और इस तरह से गिरा। और ये मेरा गला वाला किस तरह से लगता है, ये जब बोआ हुआ था ना तो मेरी मम्मी ला के हमको दी थी, जो कि तभी से पहने थे अभी तक, और बीच में हम मंगलसूत्र पहने थे। कभी कभार ऐसा होता है ना, मन ऊब जाता है एक चीज़ पहने पहने, तो खोल देते हैं। और इसका मोती बहुत बार चेंज करवाए हैं, लेकिन लोकेट तो वही है, सोने का है। मतलब ये मोती चेंज करवा देते हैं, हमेशा एक जैसा पहनने का मन नहीं करता है, लेकिन लोकेट जो है ना वो वही रहता है। और ये दुर्गा माँ का है और ये हम हमेशा अपने पास रखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि खोल के हटा देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। अभी बीच में उसी तरह वादा कंटिन्यू बहुत दिन पहने थे, और ये बहुत बार खोया भी है, बहुत बार खोया है, तो मतलब मिलता भी है बहुत मुश्किल से ये, इसीलिए हम इसको ज़्यादा पहनना अब थोड़ा कम कर दिए हैं, पहनते बहुत कम है। लेकिन मतलब इस तरह भी नहीं है कि घर में रहते हैं तो पहनते, कहीं आते जाते हैं तो खोल देते हैं। जैसे मार्केट वगैरह, एक बार मार्केट में खो गया था तो फिर मतलब वो भाग का था कि मिल गया, मतलब कपड़े दुकान में खोया था और कपड़े दुकान वाले से ज़्यादा पहचान था, हम वहीं से सारे साड़ी वगैरह लेते हैं, तो फिर वो उठा के रख दिए थे और फिर बोले थे कि जब आएगी तब दे देना। और हम पता है बहुत बारिश हवा की जाते थे आते थे बट नहीं हो रहा था, मतलब मिल वो रहते थे, वो बोले कि हम बात उत किए तो बोले हाँ यहाँ तो मिला एक लॉकेट, हम सोचे किसका किसी का होगा तो बोलेगा तो हम दे देंगे, बहुत अच्छे हैं जो भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे, तो फिर वो दे दिए बाद में। और मतलब उतना ये नहीं हुआ था, और मतलब क्या हुआ था ना कि जब हम मार्केट जाते थे तभी वो नहीं रहते थे, और जब वो रहते थे तो हम नहीं रहते थे, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ था। इसके बाद फिर एक बार पार्लर में खो गया था, पार्लर गए थे भैया का शादी में फेसियल कराने के लिए, तो पूरा हम ये खोल दिए थे माला वगैरह, तो फिर खोल के और अपना आँचल आँचल नहीं उसको मतलब गोदी में रखे थे, तो गोदी में जैसे रखे थे ना तो पार्लर से जैसे उठे तो गिर गया, तो इतना हमको होश नहीं था कि माला पहनना है, जल्दीबाजी में थे वो भी, जल्दीबाजी में थी और लास्ट हम ही कस्टमर थे उनका, तो फिर हमको कर उड़ के हम घर चलाए। और दूसरा दिन हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, तो हम मतलब रात भर हमको पता नहीं चला, सुबह भी पता नहीं चला, और हम ट्रेन में थे, अचानक से एक लेडी का हम गला देख रहे थे, एकदम बड़ा सा एकदम लॉकेट पहनी थी, जो कि जेंट्स लोग का होगा, मतलब लेडीज़ का था ही नहीं, वो जेंट्स का तरह ही दिख रहा था, तो उसका देखे ना तो फिर हमको अचानक से याद आया कि हाँ वो पहनी है, तो फिर हम अपना देख रहे हैं तो मेरा नहीं था, तो फिर हम बहुत ढूंढे नहीं मिला, मतलब बहुत ढूंढे क्या इधर उधर पूरा दिमाग लगाया नहीं मिला, तो फिर हम वो पार्लर वाले को फ़ोन किए, तो उनके उनका नंबर था, तो फिर मतलब वो भी नंबर नहीं था, उस समय मेरा मोबाइल भी खो गया था, दूसरा मोबाइल था मेरे पास, तो फिर इससे उससे मैनेज करके नंबर लिए और लेकर फिर हम उनसे कांटेक्ट किए, तो वो भी बोली, उनके पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, वो बोली हाँ भाभी हम अभी नहीं, भाभी ही बोलती है, अभी जाएंगे तो फिर ढूंढेंगे वगैरह वगैरह। तो फिर वो आई, मतलब उस दिन पार्लर भी लेट से आ रही थी, तो फिर आई तो बोली हाँ मिल गया, हम लोग झाड़ू वगैरह दी तो मिल गया, तो फिर हम बता दी, तो थोड़ा सा तो मतलब इतना तो हो ही जाता है कि अपना आदमी के पास है वो मिल ही जाएगा इस तरह से करके। मतलब ये जो लॉकेट है ना इसका बहुत बड़ा बड़ा ये हो जाता है, मतलब खोने वाला चीज़ बहुत जल्दी जल्दी खो जाता है, तो इस वजह से मिलता बहुत कम है। फिर वो संभाल के रख दी थी, फिर हम कभी पार्लर गए थे तो फिर वो हमको दे दी थी इस तरह से करके। मतलब खोने के बाद तो फिर मिलने में थोड़ा सा तो लेट लगता है, ऐसा नहीं है तुरंत मिल जाता है, इस वजह से हम बाहर जाते हैं तो बहुत कम पहनते हैं। इसमें मेरी दुर्गा माँ है, हम ये मानते हैं ना कि ये हमको बहुत ज़्यादा शक्ति देती है, कभी भी हमको हार मानने नहीं देती है, और मतलब हमको हर मुश्किल हालातों से संभालती है, इस वजह से हम इनको कहीं भी खोना नहीं चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। बट कभी कभी मेरा ही ऐसे हालात हो जाता है कि खो जाता है, तो अभी एक तरफ सोया हुआ है बाबू, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं स्टडी, क्योंकि आज दिन भर में थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था स्टडी करने के लिए, हमको दूसरा चैप्टर कम्प्लीट करना था, तो आज तो हमको मतलब किसी भी हाल पर एक घंटा तो कम से कम पढ़ना ज़रूरी था, तो फिर अभी हम वही पढ़ाई कर रहे थे, नहीं करने से होगा नहीं, अभी तक भी काम था और भी काम है, हम सारा काम वगैरह छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी यदि हम काम करने लगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, और सारे कपड़े वगैरह उसी तरह हैं, सोचे एक घंटा तो अपने लिए निकाल लें, फिर रात को फिर करेंगे। और इधर मेरा छोटा वाला बाबू खेल रहा था इधर उधर, और हम यहाँ पे
ये कर रहे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, और देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा कर लिया पेंट, उसका हाथ भी गंदा हो गया है। तो हम उसको बोल रहे थे खोलो कपड़ा चेंज कर देंगे, बट वो बोल रहा था नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जब बाहर जाएंगे तब। तो फिर वो उसी तरह चल गया खेलने के लिए। और ये सब जो है ना एक एक कागज़ सब है, मतलब फोटो स्टेट करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि फालतू का हो जाता है, तो वो उसका जो पीछे वाला पेज होता है ना वो लिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से हम रब कर लेते हैं। तो वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है लिखने के लिए, तो उसी से हम रब कर लेंगे। और इधर हम रब कर लेंगे नहीं करते हैं, हम ऐसे हम रब कॉपी नहीं रखते हैं, और कॉपी में ओनली जो भी मतलब लगता है मेन मेन टॉपिक है वही सब करते हैं। अभी हम यहाँ पे कर रहे थे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का कुछ ऐसे ऐसा वर्ण है या शब्द है जो कि बहुत हार्ड है, टफ है, और संधि जल्दी सॉल्व नहीं होता हमसे, क्योंकि हम बहुत भीतर से संधि को पढ़े नहीं थे, पढ़े थे इस तरह से मतलब जानते हैं संधि का सारा गुण, सारा भेद, सारा चीज पता है हमको, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ही हमको टफ लगता है, तो उसको हमको सॉल्व करना चाहिए था। हम सोचे नहीं इस तरह से जब समय है तो फिर हम क्यों दे रुकना, तो फिर आज हम संधि कर लेंगे और आज संधि का चैप्टर फिनिश ही कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हम करके और देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद तो फिर भी जाएंगे सारा चीज़ समेटेंगे यानी कि जो जो है, और फिर बाबू को भी तैयार करना था। तो यहाँ कुछ देर तो हम पढ़ाई वगैरह किए, मतलब शाम ही हो गया था, तो फिर हमको ये सब डब्बा सब मिला, तो हम सोचे ये सब डब्बा बहुत दिन से रखे थे, तो हम सोच रहे थे इसका कुछ कर दें, तो आज हम बना रहे इसका DIY। तो देखते थे मतलब सोचते थे बनाए बनाए बट होता नहीं था, तो आज हम फाइनली इसको हम बना ही दिए, सोचे जितना भी समय लगेगा बना दो, ऐसे भी आज बहुत ज़्यादा काम था और थोड़ा काम बढ़ा ही, तो पढ़ने का तक का भी शाम को हमको फुर्सत नहीं मिला था, तो इसको हम वो सारा चीज़ को जो है ना जहाँ जहाँ फटा था वहाँ सेलो टेप चिपका दिए और स्टेपलर से पिन करके एक प्लास्टिक लेकर, मतलब पहले जो ये जो आप भीतर में भर है वो कार्टून जो है बहुत टाइट वाला है, और ये एक चप्पल का ही कार्टून है, बुआलों का चप्पल आया था, तो ये जो है एक कार्टून है और उसके ऊपर से एक टाइट वाला कार्टून भरे हैं जो कि कुछ पार्सल मंगाए थे उसी से निकला हुआ है और बहुत टाइट था उसमें, तो हम सोचे ये भीतर से भर देंगे तो ये सेफ रहेगा। इसके बाद हम चारों पट्टी से इसको स्टेपलर से कवर कर दे रहे हैं ताकि ये मतलब कोनासी सब नहीं फटे उसका कोना सब, और ये जैसे कि साइड साइड में फटा हुआ है वो सब नहीं फटे इस वजह से। और फिर इसमें मतलब कुछ और एक्स्ट्रा नहीं, जैसे हम फेविक गोंद देखे देखे गोंद तो वो क्या हुआ ना नहीं चिपका, तो हम सोचे अब इसी तरह करके स्टेपलर मार के अब इसका ऊपर से प्लास्टिक से पैक कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो फिर वही करने लगे तो फाइनली ये होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके हम कर लिए। तो जो भी मेरे पास प्लास्टिक था हम थारे में देखे किसे किसे होगा किसे किसे नहीं होगा, तो जैसे भी हुआ हो गया, और तो कुछ दिन तो यूज हो ही जाएगा कम से कम एक मंथ दो मंथ, तो अभी नहीं इसको हम रख देंगे क्योंकि बच्चा लोग बहुत बनमास है देखेगा तो इसको फाड़ देगा, तो अभी नहीं होली के बाद ही हम इसको यूज करेंगे, देखते हैं कहाँ यूज करेंगे, बट हमको कटन मिला तो फिर हम बना लिए। मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा इसको बनाने में क्योंकि प्लास्टिक निकला था ट्रंक से यानी कि बॉक्स से, तो फिर बना लिया। और ये जो है ना बहुत सॉफ्ट टाइप का प्लास्टिक था, ज़्यादा ये वाला नहीं था ताम छाम वाला मतलब खरखर टाइप का, इस वजह से ये आसानी से चिपक गया। और एक ना कोरियर वाला भी आता है तो उससे भी आसानी से हो जाता है। और एक हम बनाए हैं जिसका वीडियो हम नहीं दिखाएं आप लोगों को क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, समय भी लग जाता है और उसको देखना पड़ता है किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है, इस वजह से हम छोड़ दिए। ब्लैक वाला में ओनली इसी तरह से भर के चारों पट्टी से मोड़कर उसको पैक कर दिए, बस वो बन गया, उसमें ढक्कन नहीं था तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ढक्कन भी था और भीतर भी करना था और ऊपर भी करना था इस वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके हो गया। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग बनाएं तो ये सब चीज़ों का याद रहे कि क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और मेरे चैनल किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, ओनली यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं, और मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं है,
हम YouTube पर ही फर्स्ट आए हैं, तो सोच रहे हैं इससे सक्सेस हो जाए। और एक चैनल है मेरा, वो भी YouTube पर है, जो कि उसमें अर्न भी होना शुरू हो गया है। तो इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि इससे भी हम कुछ अर्न करें। इसमें हम डेली ब्लॉगिंग डालते हैं, उसमें हम कुछ कुछ शॉर्ट्स डालते हैं। वो मेरा शॉर्ट्स का है, शॉर्ट्स डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ओनली वन शॉर्ट्स टू शॉर्ट्स डाल देते हैं दिन भर में, नहीं तो नहीं भी डालते हैं, इससे टाइम नहीं मिलता है तो। और अब इसमें हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं ब्लॉगिंग के जरिए कुछ ऐड करें और अपने लाइफ का कुछ कुछ पार्ट इसमें शेयर करें। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा हमको भी, क्योंकि हम भी न्यू यूट्यूबर हैं। आप लोग के सपोर्ट के ही कारण, मतलब थोड़ी थोड़ी जो भी हो रहा है तो आप लोग सपोर्ट के ही कारण कुछ कुछ कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी ही लगेगी, और नहीं भी लगेगी तो फिर भी कमेंट करके बोल दीजिएगा नहीं लग रहा है। ये जो बॉक्स बना रहे हैं ये भी हम यूट्यूब में देखे थे, जो कि बहुत ईजिली से बन गया था, तो फिर हम सोच रहे थे बना के एक बार ट्राई करते हैं। मेरे पास भी कुछ कुछ बॉक्स पड़ा हुआ है, तो बस यूं ही ट्राई करने के लिए बनाए थे, बट सच में अच्छा बन गया था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बनाने में कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पास हम लोग खरीद के लाते हैं, बस 15 मिनट आधे घंटा का काम है, ये तो तुरंत बन जाएगा। खरीद के लाने से अच्छा घर का सामान घर में यूज हो जाए। जैसे कि ये सब अभी मार्केट में लेने जाए ना, तो कम से कम 50 रुपीज़ से कम का नहीं मिलेगा, और उसमें भी यही सब चीज़ रहता है जो कि होता है। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं घर में। तो आई होप आप लोगों को ये डब्बा अच्छा लगा होगा। और अभी हम यहाँ आ गए हैं, जो कि बता दे रहे हैं, पहले हम बुआ लोग चल गया बर्थडे पार्टी में और हम हो गए फ्री, तो अभी हम कर देंगे पूरा घर को साफ यानी क्लीन। तो जो भी कपड़े हैं सारे को हम तह कर लिए हैं पहले भी, और अभी और करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कुछ कुछ ये सब पैंट वगैरह जींस वगैरह, तो ये सब यूज नहीं हो रहा है, तो ये सब हम सारे हटा देंगे। और बहुत सारा निकला पता है, ये सब हटाने वाला कपड़ा पुराना, और हम ये इसलिए निकाले थे ना, मेरे पास जो वो बाल्टी सब दिख रहा होगा, मतलब बाल्टी ही बोला जाएगा उसको, टब टाइप का, उसमें ना हम मतलब पुराना जितना कपड़ा होता है सारा चीज़ रख के रखते हैं, तह करके रखेंगे और रखते हैं वो बाल्टी समय। तो ऐसा बहुत सारा कपड़ा था जो कि पुराना था, यूज होता ही नहीं था, बहुत सारा ऐसा मतलब है कि जिसको हम यूज कर लिए हैं, पोछा वगैरह बना लिए हैं। तो इसमें कुछ कुछ कपड़ा रखे थे, कुछ कुछ कपड़ा वो जो बोरा निकाले उसमें निकला, और कुछ कुछ कपड़ा गोदरेज में था। तो सारे कपड़ा को हम एक साथ तह लगा देंगे और रख देंगे, जैसे कि फटा पुराना कपड़ा सब कभी भी यूज हो तो आसानी से मिल जाए। तो यही सब कपड़ा, इतना कपड़ा निकला, और मतलब यूज क्या कभी भी मतलब इस तरह से बिछाने वगैरह कुछ बनाने के लिए वो काम में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो किसी को दिया जाएगा इस वजह से। स्वेटर वगैरह है वो सब तो दिया ही जाएगा किसी को, इस तरह से अच्छा अच्छा स्वेटर है। तो जो भी यूज नहीं होता है वो सब सारा हट जाएगा, जो यूज हो रहा है उसको हटा देंगे। तो यही सब कपड़ा सब था, सारे को हम हटा रहे थे, लग रहा था हाँ ये सब रखना चाहिए, ये सब हटाना चाहिए। और मेरे पास में भी कुछ कुछ साड़ी वगैरह है, वो सब भी हटा देंगे, क्योंकि अभी हम वो सब साड़ी अब नहीं पहनेंगे। तो इस वजह से देख सकते हैं, मतलब कपड़े का जो पहले भी किए थे ना, वो सब भी अलग अलग करना पड़ा हमको सारी चीज़ों को। और कुछ कुछ ऐसा था कि रूम में ही था, तो वो सबको भी लाएँ। और अभी शाम को तो हम पूरा फिनिश कर देंगे, पर हम फिनिश किया हुआ नहीं दिखाएंगे। कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो हस्बैंड जी से पूछना पड़ेगा कि ये यूज कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, इसके बाद फिर हम इसको अलग करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग फटाफट से लग गए हैं, मतलब वीडियो स्पीड थोड़ा सा स्पीड है इस वजह से दिख रहा होगा, लेकिन इतना भी जल्दी जल्दी नहीं कर रहे थे, थोड़ा सोच के करना पड़ता है सारा काम वगैरह, तो इसलिए। तो ये सब जो शर्ट है ना, इनके पापा भी बहुत कम क्या एक बार भी नहीं पहने, बहुत ऐसा कपड़ा होता है खरीदा जाता है बट यूज ही नहीं होता है। तो अभी हम फिर ये सब सारे चीज़ भरना शुरू कर दिए हैं, जो कपड़ा सब नहीं पहनते हैं पुराना है और ये सब यूज होता ही नहीं है कभी। और फिर स्वेटर सब एक में कर देंगे, और बहुत सारा स्वेटर ऐसा ऊपर है, क्योंकि सारे मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, तो जो यूज नहीं होता है ना सारे पहले यहीं पे ला के रख देते थे। तो इस वजह से जैसे कि पापा जी का और इनके पापा का तो है ही, और मतलब कुछ मतलब पुराना वगैरह सब है, मतलब अभी यूज वाला नहीं है, सब पुराना सभी है। तो वही सब
सब हटा देंगे या किसी को दे देंगे, बहुत ऐसा मतलब आते हैं लेने के लिए तो वही लोग को देकर हटा देंगे। तो यही अभी हम सारा घर को फिनिश करेंगे समेट कर, और ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा था इस वजह से हम वीडियो एडिट नहीं मतलब शूट नहीं किए ज़्यादा, और एडिट करके उसको हटा देंगे जितना भी हुआ सारा चीज़ को। तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से विदा। और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार फिर से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं आप लोग इस तरह से दिन भर का रूटीन था मेरा आप लोगों के साथ शेयर किए।